हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज। मैंने बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया। मेरा टीचिंग करियर में मैंने ये देखा कि देर इज सम डेफिशिएंसी विद द स्टूडेंट, दैट इज लॉजिक। सो ये मैंने जो वीडियो सीरीज बनाया, इस पे मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद का लॉजिक लगाओगे व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, एज वेल एज आई विल टीच यू C++ एंड जावा बेसिक प्रोग्राम यूजिंग दिस वीडियो सीरीज। ठीक है, चलो हम पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, विच आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। सो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दैट शुड बी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोग्राम क्या होता है, ओके। देखो, जैसे कि ये तो मैंने एक प्रिपरेशन ऑफ टी सबको आता है, तो इसमें मैंने बताने को कोशिश किया कि आप प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है। देखो, जैसे कि आप चाय बनाओगे तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट वी नीड, वाटर, मिल्क, टी पाउडर, शुगर एंड टी पॉट, ओके। एंड देन व्हाट एल्गोरिथम यू हैव टू फॉलो, जैसे कि पहले स्टेप वन, प्लेस द फ्रेश वाटर, देन बॉयल द वाटर, देन आफ्टर दैट एड सम मिल्क एंड एड मिल्क एड योर टी पाउडर, देन एड सम शुगर, देन वी विल गेट द आउटपुट। सो आप सोचोगे कि ये क्यों एग्जाम्पल हमें दिया है। येस, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब प्रोग्राम लिखते हैं, वट इज इन्ग्रेडियंट, इन्ग्रेडियंट इज योर इनपुट। जब भी हम प्रोग्राम कोई लिखते हैं आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या इन्ग्रेडियंट लेना है, मीन्स क्या इनपुट हमें लेना है। देन आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या एल्गोरिदम यूज करूँगा, क्या लॉजिक में अप्लाई करना है। देन आपका लॉजिक जो है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने के बाद यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल गेट द पर्टिकुलर आउटपुट, ओके। सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम। मैंने ये इसलिए एग्जांपल रखा ताकि ये सबको एज ए लेमैन आपको पता नहीं है। मैं अभी C++ का एक एग्जांपल दे दूंगी तो आपको C++ पता ही नहीं है। बिफोर दैट यू हैव टू नो कि प्रोग्राम लिखने से पहले मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या मुझे जानना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, देन आपको क्या चाहिए, आपका लॉजिक या दैट इज नोन एज योर एल्गोरिदम, देन एनी लैंग्वेज, इट मे बी C++, इट मे बी जावा, इट मे बी एनी अदर, ओके। तो देन वी विल गेट द, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन वी विल गेट द आउटपुट। सो दिस इज बेसिकली योर प्रोग्राम, ओके। देन अभी हमें ये बताने वाली हूँ कि व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एक्चुअली जब भी हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, डायरेक्ट में एक कोई लैंग्वेज में लिखकर आपको दूंगी, इफ़ यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोल रही हूँ, प्रिंट एफ योर नेम, ओके। तो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज प्रिंट एफ देन इट इज़ वेरी कन्फ्यूजन, ओके। तो देन क्या सोल्यूशन है? तो जैसे कि एक प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले वो जो लैंग्वेज है उसको पता है क्या, मेनली वी नो द इंग्लिश लैंग्वेज। सो यूजिंग दैट लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप वी विल राइट आवर ओन लॉजिक, ओके। दैट इज जो प्रोसीजर और द फॉर्मूला, आप क्या प्रोसीजर यूज करोगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड मैंने दिखाया था कि टी प्रिपरेशन के टाइम में क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सिमिलरली वी विल इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स इन योर व्हाइल राइटिंग योर पर्टिकुलर प्रोग्राम, ओके। सो दैट इज नोन एज योर एल्गोरिदम। समझ में आया? द नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्राम इज ए टेक्निक। आप एक टेक्निक यूज करते हो क्या करने के लिए, टू राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज नोन एज योर प्रोग्रामिंग, ओके। एंड इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क कैसे परफॉर्म करोगे
वो आपको पूरा का पूरा आप कंप्यूटर को बताते जा रहे हो. ओके एग्जांपल, जैसे कि आप बताओगे कंप्यूटर को कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है किसका, लेट्स से मैं रेक्टेंगल का फाइंड आउट करूँगी. तो आपको जैसे मैंने बताया अभी मैंने आपको टी प्रिपरेशन का एक एग्जांपल दिया. अब बताओ टी के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए था, मिल्क चाहिए था, मिल्क पाउडर चाहिए था, सॉरी टी पाउडर चाहिए था, वाटर चाहिए था, शुगर चाहिए था, दैट इज़ योर इनपुट. सिमिलरली मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, अभी मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. तो आप सोचो व्हाट आर द इनपुट वी नीड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या इनपुट चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, दैट इज़ द टू इनपुट, दैट इज टू इन्ग्रीडियंट. ओके देन मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगी, देन दैट फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर, एरिया इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ, बस ये मिल गया. तो आप अल्गोरिदम लिखोगे, क्या लिखोगे कि टेक इनपुट, जैसे हमने टी के लिए लिखा था टेक इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, देन आप लिखोगे कैलकुलेट एरिया इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ, देन डिस्प्ले द एरिया. दिस इज द अल्गोरिदम, दिस इज द लॉजिक. ओके दिस इज नोन एज योर टेक्निक, दैट इज हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. ओके सो नाउ द वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, क्या क्या हमारा प्रोग्रामिंग है. जनरली देर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके वन इज योर प्रोसीजर ओरिएंटेड, अनदर वन इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो क्या क्या है, लैंग्वेज मैंने जैसे तीन एग्जाम्पल लिया, इधर सी लिया, सी कोबल एंड क्यू डब्ल्यू बेसिक. एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके तो आपको अगर आप लिखना आ जाता है, आपको प्रोग्रामिंग लिखना अभी बेसिक आपको पता है, तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, ओनली लैंग्वेज यू हैव टू लर्न. ओके तो बेसिक यू नो, लॉजिक यू नो, ओनली लैंग्वेज, वंस यू नो द लैंग्वेज देन वी कैन इजिली राइट अ प्रोग्राम. ओके सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम. देन नेक्स्ट इज, आप अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी प्रोग्राम बोलो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक पूरा प्रोग्राम में आपको पांच फंडामेंटल कंसेप्ट ही आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये पांच आना चाहिए, ये आ जाएगा तो उसके बाद सम लिटिल बिट चेंज, जैसे सी प्लस प्लस में कुछ नहीं था तो सम डेफिशिएंसी वाज देयर, देन जावा में क्या होता है, इट इज़ दैट डेफिशिएंसी इज इम्प्लीमेंटेड इन योर जावा, तो जावा में कुछ डेफिशिएंसी रह गया तो पाइथन में आ गया. सो देर आर वेराइटीज ऑफ दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स एडेड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके तो बट ये सारे लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए, ये फंडामेंटल पांच फंडामेंटल थिंग्स चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल. अभी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज दैट अदर नेम इज आइडेंटिफायर. एंड आइडेंटिफायर मतलब देखो क्या आइडेंटिफायर, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर, नाम. ओके जैसे कि पर्सन, हम बुलाएंगे किसी को, नाम में बुलाएंगे तो ही आप कोई सुनेगा. आप अगर नाम नहीं ले रहे हो तो कोई सुनने वाला नहीं है. ओके समझ में आया, स्टूडेंट कम हियर, कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला है. ओके जैसे स्टूडेंट एक्स वाई जेड इज अ स्टूडेंट, एक्स वाई जेड कम हियर, तो एक्स वाई जेड ही आएगा. तो जब नाम हम दे देते, इट इज आइडेंटिफाइड टू ए पर्टिकुलर पर्सन. सिमिलरली जब हम कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, उसका नाम देना पड़ेगा. वेरिएबल क्या होता है, इट इज ए मेमोरी लोकेशन. जैसे कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो वी विल स्टोर समथिंग. ओके कहाँ पे स्टोर करना है, आप बोलोगे हार्ड डिस्क, यस हार्ड डिस्क इज देयर, हार्ड डिस्क में ही स्टोर होगा. बट हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है कि इतना बड़ा स्पेस है, हाउ कैन यू सर्च दैट पर्टिकुलर स्मॉल थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर दैट लार्ज मेमोरी स्पेस. जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे कि आपको बोलूँगी कि आप कहाँ रहते हो, आप बोलोगे कि मैं मेरा रोड में रहता हूँ, मैं रहती हूँ. आप कोई बोलेगा मैं बोरीवली में रहता हूँ या रहती हूँ, तो क्या मैं आपके घर पे पहुँच सकती हूँ, नो आई कैन नॉट, मैं पहुँच नहीं सकती हूँ. क्यों, बिकॉज मेरे पास एड्रेस नहीं है. ओके तो मेरा रोड बिलोंग्स, मेरा रोड इज देयर इन साइड द मुंबई. ओके मुंबई इज देयर इन साइड द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज ए बिग प्लेस, इन साइड द महाराष्ट्र मुंबई इज देयर, इन साइड द मुंबई
दैट मीरा रोड इज देयर, इनसाइड द मीरा रोड सम एरिया इज देयर, जैसे मेरा शांतिनगर, ओके, द इनसाइड द शांतिनगर द सेक्टर इज देयर, देन माई 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 स्मॉल हाउस, ओके. सो दैट मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड फॉर मी, मेरे लिए ही एलोकेट हुआ है, मेरा एड्रेस है, ओके, मेरा आइडेंटिफिकेशन है, येस आई एम योर, ओके. तो मेरे लिए जो स्पेस एलोकेटेड दैट इज फॉर मी, ओके. तो सिमिलरली जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन. आपको इतना स्पेस एलोकेट हो जाएगा, उसी में इतना स्पेस में ही आपको डेटा स्टोर करना है. फॉर दैट रीजन वी नीड द वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, बट दैट वैल्यू कैन बी चेंज्ड. ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया तो डाल दिया, वो फिक्स हो जाएगा. नो, दैट कैन बी चेंज्ड, ओके. सो दैट इज नोन एज वेरिएबल. बट व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स. आपको तीन चीज के याद रखना पड़ेगा. जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको पूछूंगी कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप क्या बता रहे हो, कहाँ रहते हो, कौन सा सेक्टर में रहते हो, या आपका बिल्डिंग का नंबर क्या है, आपका रूम नंबर क्या है. तो एवरीथिंग, ऑल द डिटेल यू हैव टू प्रोवाइडेड टू मी, सो दैट आई कैन सर्च योर पर्टिकुलर हाउस. सिमिलरली जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम क्या बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है उसका कुछ रूल्स है, जैसे कि नामकरण करते हैं ना, देर आर सम रूल्स. ऐसा कैसे भी नाम नहीं दे सकते आप. ऐसा बोलोगे कि 1 2 3 इज ए वेरिएबल, नो दैट कैन नॉट बी, ओके. तो वेरिएबल के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड मैंने जो ये रूल्स दिया है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द लैंग्वेज. तो कोई कोई लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जैसे डॉलर सिंबल जावा में यूज होता है, C++ में नहीं लिया गया, पाइथन में अभी करेंसी का आ गया तो पाइथन में इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो ऐसा मैंने कुछ दिया नहीं है, बट दैट कॉमन फॉर ऑल दैट रूल्स प्रोवाइडेड हियर. तो फर्स्ट वन इज वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द अल्फाबेट. अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ओके. जे सेकेंड, अल्फाबेट मतलब क्या है, जैसे कि आप बता रहे हो अमाउंट, AMT इज अ वेरिएबल, यस, ए स्टार्ट हुआ, ओके. तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड. जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, जैसे आप C++ उसमें कुछ कीवर्ड्स है, आप जावा यूज करोगे उसमें भी कुछ कीवर्ड्स है, दैट यू कैन नॉट टेक, वो नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा दे रही हूँ, बाकी आगे हम पढ़ेंगे. जैसे इंटीजर, INT इज ए डेटा टाइप. INT इज यूज इन C++, जावा, एवरीवेयर वी आर डिक्लेयरिंग दैट वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, ओके. तो इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट इज रिलेटेड. मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल का नाम, जैसे इंटरेस्ट इतना बड़ा नहीं दे सकते, तो हम छोटा सा निमोनिक्स ले लेंगे, उसका छोटा सा नाम बनाए INT. तो आप INT ले लिया, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज INT इज अ रिजर्व वर्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्या क्या रिजर्व वर्ड है, वो हम नहीं ले सकते, ओके. देन थर्ड वन इज नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड व्हाइल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर. अंडरस्कोर ही हम ले सकते, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं ले सकते. स्पेशल कैरेक्टर होता क्या है, जैसे ब्लैंक स्पेस है, डॉट है, स्टार है, प्लस है, माइनस है, एनी सिंबल इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट, ओके, दैट इज नोन एज योर स्पेशल कैरेक्टर, ओके. तो दीज आर द रूल्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन वी डिक्लेयर ए पर्टिकुलर वेरिएबल. देन नेक्स्ट, आपको मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल के जब हम डिक्लेयर करेंगे क्या तीन चीज़ को ध्यान रखना है, तो वो तीन चीज़ क्या है, सो देखते हैं हम लोग वो तीन चीज़ क्या है. जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बोला AMT के लिए मैंने एक लिया, एंड लेट अस द वेरिएबल नेम, ओके, नाम ऑफ द नाम क्या दिया है उसका, नेम दैट इज AMT. देन नेक्स्ट क्या है, लोकेशन, ओके, दैट इज लोकेशन, उसके लिए कितना मेमोरी स्पेस दिया गया है. जैसे कि आप लोकेशन क्या होता है, जैसे कि आपने 1 BHK 1 bedroom हॉल किचन, 2 BHK 2 bedroom हॉल किचन, तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, 1 BHK स्पेस थोड़ा कम है, 1 rec स्पेस और भी थोड़ा कम है, ओके. सो ये मेमोरी जैसे हमारे पर्टिकुलर हाउस के लिए एलोकेट किया गया है, जैसे 1 rec बोले तो दैट इज स्मॉल वन, 1 BHK बोले दैट इज बिगर देन दैट 1 rec, देन 2 BHK बोलेंगे तो दैट इज बिगर देन 1 BHK. सो सिमिलरली जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, सो देर आर सम डेटा टाइप, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो देर आर सम डेटा टाइप, यूजिंग दैट वी विल डिक्लेयर. तो वो सबका स्पेस है,
सबके लिए स्पेस है, जैसे फ्लोट है 4 बाइट, बट वो जो 4 बाइट बोला, बाइट इज ए मेजरमेंट ऑफ बीट बाइट एंड देन द किलो बाइट, दीज आर द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द मेमोरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 4 बाइट एलोकेट हो जाएगा, तो वो जो 4 बाइट एलोकेट हुआ दैट इज फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज योर AMT के लिए ही एलोकेट हुआ है, तो वो 4 बाइट में ही आपको डेटा रखना है, दैट इज लोकेशन। ओके, एंड देन वैल्यू, किस टाइप का डेटा आपको रखना चाहते हैं, अगर वो फ्लोट टाइप तो फ्लोट टाइप डेटा, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर, अगर वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर डेटा, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ओके, सो आपको कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो ना, आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, नाम क्या दिया गया है, नाम का रूल्स, कौन सा रूल आप फॉलो करोगे, देन लोकेशन, कितना मेमोरी एलोकेट हुआ उसके लिए, एंड देन एड्रेस। एड्रेस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वो आता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको डेमोन्स्ट्रेट बताऊँगी C++ में, आपको एड्रेस भी, ये वेरिएबल का आपको एड्रेस दिखा सकती हूँ, मैं आपको एड्रेस दिखाऊँगी कैसे एड्रेस वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी का जो 5 फंडामेंटल बोला था, अभी तो 1 ही हुआ है, बाकी और भी 4 है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसमें स्टॉप करती हूँ। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं नया नया वीडियो डालूँगी तो आपको मिल जाएगा। और मेरा एक एक जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ उसी में जो प्रोग्राम मैं बताऊँगी, तो ये प्रोग्राम आपको एक प्रोग्राम बताने के पहले एक प्रोग्राम कैसे डिफरेंट लॉजिक यूज करके आप इम्प्लीमेंट करोगे ये मैं बताऊँगी। ऐसा कोई बुक में से आपको ऐसे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि जैसे मैं बताऊँगी कि इवन नंबर आप सबको पता है रिमाइंडर 0, बट मैं बताऊंगी रिमाइंडर फाइंड के लिए क्या अलग है और क्या लॉजिक है, तो आप कैसे, ये मैं बताने वाली हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको अगर पता है ऑलरेडी प्रोग्राम तो भी आप देखिए, एंड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट आई विल मेक दैट सम इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू। ओके, थैंक यू।